एमपी सपोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। एमपी सपोर्ट में बात करेंगे दोस्तों फोकस के बारे में। बढ़िया तरीके से फोकस करना एक बैट्समैन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर बढ़िया तरीके से बॉल फोकस करता है तो भी टाइमिंग आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शॉट सिलेक्शन बढ़िया होगा। फोकस के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर चार बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप बॉलर नहीं हैं तो आप विकेट कीपर बने। विकेट कीपर एक बढ़िया बॉल को फोकस करता है, क्योंकि विकेट कीपर और बैट्समैन बनेंगे तो क्या है ना, चांसेस ज़्यादा रहेगा आपका बैटिंग का बॉल का फोकस होने का। क्योंकि आपने देखा होगा क्रिकेट में 80% विकेट कीपर है वो बढ़िया बैट्समैन होते हैं, क्योंकि विकेट कीपर क्या है ना, उसको पूरी तरीके से बॉल को फोकस करना पड़ता है पीछे, वरना फोकस नहीं करते तो क्या ना, बॉल हाथ से छूट जाती है, कैच नहीं पकड़ता और बढ़िया तरीके से बॉल को किधर नहीं कर पाए। तो आप अगर बॉलर नहीं हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं करियर, तो आपको विकेट कीपर और बैट्समैन बनना चाहिए। पर दोस्तों दूसरी जो बात है वो है आपकी आंखों का लेवल, राइट साइड की आंखों का लेवल आपको मिल स्टम्प पे रखना है। जब स्टांस ले तब ये खास ध्यान रखें, राइट साइड की आंखों को आप मिल स्टम्प पे रखना है। तीसरी बात, जब बॉलर बॉल को पकड़ के रनिंग लेता है, वहाँ से लेके जब टप्पा गिरता है वहाँ से बॉल बैट पे जब तक कनेक्ट नहीं होती तब तक आपकी आंखों को बॉल पे कड़ाई रखना है। इसमें आपको गलती नहीं करनी है। अक्सर मैंने देखा है टप्पा खाने के बाद बैट्समैन की आंखें बॉल पे नहीं रहती है। दोस्तों ये खास ध्यान रखें, जब तक टप्पा खाने के बाद बॉल बैट पर कनेक्ट नहीं हो जाती है परफेक्टली, तब तक आपको आँखों को बॉल पर ध्यान रखना है। दोस्तों चौथी बात है वो है दोस्तों का रिलीज पॉइंट पे ध्यान देना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर परफेक्टली आप बॉलर के रिलीज पे ध्यान देंगे तो आप बड़े तरीके से बॉल को फोकस पाए पाएंगे। मैं यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि तीन जो रिलीज पॉइंट है वो क्या है ना, बॉलर की हाइट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बता रहा हूँ यहाँ से आपको किस तरह से जज करना है। सबसे पहले दोस्तों जब बॉलर है यहाँ से रिलीज करता है, सीधा एकदम सीधा रिलीज करता है, सीधा रिलीज करता है तो यानी दोस्तों फुल या फिर यॉर्कर या फिर यॉर्कर से आगे की लेंथ पे बॉल गिरने का चांस रहता है। दूसरा जो है वो है रिलीज पॉइंट यहाँ से होता है दोस्तों, यहाँ से मैंने यहाँ से बताया, फिर यहाँ से होता है, यहाँ से जब रिलीज होता है दोस्तों तो गुड लेंथ एरिया के आजू बाजू पड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। फिर तीसरा जो है वो है दोस्तों यहाँ से जो बताया था मैंने, अभी यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ से बताएंगे दोस्तों यहाँ से तो आपको पता ही चल जाएगा कि शॉट पड़ने का चांस ज़्यादा रहता है। दोस्तों ये मैंने सिर्फ बेसिकली बता रहा हूँ यहाँ से आपको दिखाने के लिए, क्या फिर बॉलर की हाइट के हिसाब से, बॉलर के हाथों की लंबाई के हिसाब से ये इसमें डिफरेंट आ सकता है। लेकिन क्या ना, ये इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं बॉल को फोकस करने के लिए बढ़िया तरीके से। तो इसी तरीके से दोस्तों ये मैं यहाँ पे चार बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले बात है, अगर आप बॉलर नहीं है तो आप एक विकेट कीपर बन सकते हैं यहाँ से, क्या ना विकेट कीपर और बैट्समैन बनेंगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से ज़्यादा आपको बॉल फोकस पे आप ध्यान दे सकते हो और बढ़िया तरीके से बैटिंग कर सकते हो। दूसरा जो है वो है आपकी आंखों का लेवल, राइट साइड की आंखों का लेवल आपको मिडिल स्टंप पे रखना है। तीसरा है जो बॉलर बॉल पकड़ के टप्पा डालता है वहाँ से जब बैट पे बॉल कनेक्ट नहीं होती तब तक लिए आपको आंखों का रखना है। और चौथा है दोस्तों आपको बॉलर की रिलीज पॉइंट पे ध्यान देना है, उसके रिलीज एंगल पे ध्यान देना है, लेवल पे ध्यान देना है। दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों आप फोकस पे ध्यान दें, प्रैक्टिस करें रोज़ाना एक घंटे तो आप प्रैक्टिस करें तो आप बैटिंग की यकीन नहीं आप बड़े तरीके से बॉल को फोकस कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उसका मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आप कोई भी किसी भी आपको टेनिस क्रिकेट या सीजन क्रिकेट का क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। और कोई भी आप के पास अच्छे वीडियोस है आपके बॉलिंग के और बैटिंग, तो प्लीज़ मुझे आप मुझे नीचे दिए हुए मेल के एड्रेस पे आप मेल कर सकते हो। मैं यकीनन जो अच्छा लगेगा तो मैं अपने चैनल में आपका वीडियो बताऊंगा। तो दोस्तों
फिर से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।